द केरला स्टोरी, क्या कुछ कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही दिल दहलाने वाली, बहुत ही शॉकिंग और हार्ट रेंचिंग मूवी है और बहुत डर लगा देख के. ये फिक्शनल स्टोरी नहीं बोलते हैं कि रियल स्टोरी है, तो अगर ये रियलिटी है तो बहुत डर लगा देख के, बहुत कांप गए, कांप उठे हम. और मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटी, इंसानियत सबसे बड़ा रिलीजन है. हर रिलीजन यही सिखाता है कि आप सबसे अच्छी तरह से रहिए, मतलब मिलजुल के रहिए, भाईचारा रखिए. तो वही है मेरे लिए, कोई रिलीजन नहीं, इंसान अच्छा या बुरा होता है, हालात अच्छे या बुरे होते हैं, तो कौन किस सर्कमस्टांसिस में क्या करता है, वी आर नो वन टू जज. तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसको हम लोग एक बहुत ही ओपन माइंड से ये मूवी को देखें और प्रोपेगेंडा से बचें. किसी भी तरह का जो भी ऑलरेडी कंट्रोवर्सी बहुत हो रही है, हम लोग एक राष्ट्र में रहते हैं, एक सेकुलर कंट्री में जहाँ पे हर धर्म हर मज़हब को रिस्पेक्ट किया जाता है. तो मुझे जहाँ तक मूवी का बात है, सुदीप्तो सेन का मुझे डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा और सभी प्रोटैगनिस्ट, अदा शर्मा का रोल बहुत अच्छा है, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी, सिद्धि इदनानी, सबके रोल बहुत अच्छे, चारों जो प्रोटैगनिस्ट लड़कियाँ हैं, प्रणव मिश्रा एक एक्टर हैं, विजय कृष्णा, सभी के रोल्स बहुत अच्छे हैं. और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है, संजय शर्मा की 2.25 घंटे की मूवी है, कहीं ड्रैग नहीं किया अननेसेसरली और बहुत कुछ दिखा दिया वो 2.25 घंटे में. और डेफिनेटली एक सोशल चेंज लाने के लिए, हमारा पर्सपेक्टिव बदलने के लिए, मैं सुदीप्तो सेन को बोलना चाहूँगा कि मतलब ऐसी मूवीज, सोशली रेलिवेंट थॉट प्रोवोकिंग मूवीज़ बननी चाहिए. और समाज में अगर कुछ भी है, मतलब हम लोग उसके ऊपर एनालिसिस कर पाएँ, इंट्रोस्पेक्शन कर पाएँ. जी लगता है शायद जी, हाँ, हमारे समाज में बहुत कुछ ऐसा होता है. और मैं अगेन यही कहना चाहूँगा कि इंसान अच्छा या बुरा होता है, तो मतलब वी आर नॉट टू मच इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ बियॉन्ड रिलीजन. तो हमें एक ओपन माइंड से मूवी को देखना है और समाज में जिस भी तरह के ऐसे तत्व हैं जो गलत काम करते हैं, जो इंसान गलत काम करता है, मैं आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, जो इंसान अगर कोई भी अगर गलत काम करता है तो बुराई के खिलाफ खड़े होना चाहिए एंड नॉट अगेंस्ट रिलीजन. और ह्यूमैनिटी, इंसानियत सबसे बड़ा रिलीजन, ये बहुत बड़ा मैसेज ये मूवी ने कन्वे किया है. तो वॉच इट विद एन ओपन माइंड, आई एम सीइंग इट अगेन एंड अगेन एंड वेरी नाइसली इट हैज़ बीन पोर्ट्रेड, वेरी सेंसिटिवली, बहुत सटल तरीके से पोर्ट्रे किया गया है. और विपुल शाह जो इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, उनको भी मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनाई है, पहले भी प्रोड्यूस की हैं. एक सीरियल आता था एक महलो सपनों का, विच आई यूज़ टू वॉच इन द 90s, 1000 एपिसोड का एक सीरियल था. तो बहुत ही अच्छे ऐसे लैंडमार्क सीरियल्स और मूवीज़ बनाते हैं. तो उनको मैं कहना चाहूँगा, कश्मीर फाइल्स देखने के बाद दिल दहल गया था, एक बार फिर से दिल दहल गया. जी, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब वो जो स्ट्रॉन्ग एक्सेंट उन्होंने पकड़ा है, साउथ इंडियन एक्सेंट, वो कैरेक्टर के साथ बहुत रिलेटेबिलिटी हो जाती है आपकी. और ये दिखाया उनकी वनरेबिलिटीज़, उनकी इनसिक्योरिटीज़ और उनकी गलेबिलिटी, के कोई इंसान अगर आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसमें आप उस पर विश्वास करते हो, तो वो सब दिखाया गया है. तो बहुत ही अच्छा उनका रोल है और बहुत अच्छे से शी गॉट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एंड पोर्ट्रेड इट ब्यूटिफुली, वेरी एलिगेंटली, वेरी ग्रेसफुली. बहुत बहुत जस्ट लाइक कश्मीर फाइल्स, हाँ कश्मीर फाइल्स जैसे हो, ये मूवी हो, बहुत ही रियलिस्टिक तरह से, बहुत ही विदाउट एनी ओवर द टॉप सीन्स या मेलो ड्रामा, बहुत ही अच्छे से सच्चाई को पिरोया गया है और सेलुलॉइड पर दिखाया गया है. बट ओपन माइंड रखना बहुत ज़रूरी है और किसी के भी, हम लोग मतलब रिलीजन के खिलाफ नहीं, बल्कि इंसान जो गलत काम करते हो, इंसानियत सबसे बड़ा रिलीजन है, ये मैं बार बार कहना चाहूँगा. और हर धर्म यही सिखाता है कि भाईचारे से रहिए, शांति प्रेम से रहिए, पीस ही सिखाता है एवरी रिलीजन. और यही संदेश है मूवी का. जी बिल्कुल. और जो भी है रिसर्च है, इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके ऊपर जो भी है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसके ऊपर गौर फरमाएंगी और उसको टैप करेंगी. बट इस वक्त ये मूवी एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि अपना सोशल पर्सपेक्टिव, सोशल चेंज लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि कोई भी इंसान अगर गलत काम करता है तो उसको हम कैसे विदाउट बींग जजमेंटल. आज रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं,
कि उनको कैसे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, और कोई भी इंसान बुरा बनने से पहले उसके पीछे भी कुछ बैगेज होता है, कुछ कहानी होती है, तो उसको समझने की कोशिश करिए। कितने सारे बच्चे भी आजकल क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं, जुवेनाइल क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, तो किस तरह उनके दिमाग को, मतलब वो सब यू नो दिखाया गया है कि आप जैसे भी बच्चों का दिमाग बहुत ये होता है सेंसिटिव, तो कोई भी है तो उसके ऊपर यही है कि इंसान अच्छा है बुरा, जिस तरह से हमें अपनी वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और इंडिया एक बहुत ही विशाल, बहुत ही अच्छा यू नो जो इंडिया का सेटअप है, बहुत ही अच्छा देश है, बहुत सारे रिलीजन है देश में, सब भाईचारे से रहते हैं, बहुत टॉलरेंस है ये देश में, और इसी तरह अच्छे से रहें, सब त्यौहार मनाते हैं हम, सब एक दूसरे को विश करते हैं, तो कहीं भी कोई ऐसी बनावट नहीं है, जो प्यार है दिल से है लोगों का। सुदीप्तो सेन का डायरेक्शन, राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है, जैसे मैंने कहा भी कहीं भी कोई ओवर द टॉप सीन्स नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई मेलोड्रामा नहीं है, जो है जैसे है इट इज़ शोन एज इट इज़, और रियलिटी को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है, तो आप उसे देखिए विदाउट बीइंग जजमेंटल, हैव एन ओपन माइंड एंड वॉच इट, और बाकी इट इज़ लाइक कश्मीर फाइल्स। व्हाट्स द रेटिंग आउट ऑफ 5 स्टार्स? माय रेटिंग विल बी 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। थैंक यू सो मच।